नमस्कार। कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपको मधुरा का प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या दोस्तों, आजकल के ज़माने में ये विश्वास सचमुच गुजर गया है? लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत कम विश्वास करते हैं। दरअसल विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन जीने का हौसला देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज बातचीत करेंगे इसी विश्वास के ऊपर सीता गुप्ता जी के साथ। उन्होंने लिखी हुई बहुत ही सुंदर कविता है हर पल उत्सव किताब में, जिसका शीर्षक ही है विश्वास। नमस्ते सीता जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मुझे विश्वास है आज का कार्यक्रम, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि आपके शब्द इतने बहुत खूब है, इतने सुंदर है, और कविता का शीर्षक ही है विश्वास। और इसमें आपने कितना सुंदर लिखा है। हो नयन के कोर गिले होठों पर रख मृदहास बाकी, जब तलक चलती है सांसें रखो जीने का विश्वास बाकी। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हम ये विश्वास पाते हैं? क्या कहेंगे दर्शकों, युग बदलते हैं लेकिन जीवन तो वैसे ही चलता रहता है। जी जी एक पीढ़ी आई वो गई, दूसरी आई वो जाएगी। से कोई आता है कोई जाता है, लेकिन जीवन तो यात्रा की तरह चलता ही रहता है। क्या बात है। इसलिए कुछ चला गया तो क्या हुआ, फिर मिलेगा। विश्वास अगर मन के अंदर है तो जो हमने खोया है, कुछ खोया है ना, बहुत कुछ बचा है, जी उसको फिर से उबार लीजिए। जी विश्वास वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम सब कुछ पा सकते हैं। जिसको कभी कहा गया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सही बात है, सही बात है। तो इन व्यक्ति पहले मन से हारता है, फिर जीवन से हारता है। सही बात है, सही बात है। इसीलिए कभी भी किसी को हराना हो तो लोग पहले उसके ऊपर मन पर चोट करते हैं, तेरे बस की नहीं है, तू कैसे करेगा ये, उसके मन की प्रेरणाओं को भगाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, सही बात है। तो इन शब्दों के भाव आप कैसे स्पष्ट करना चाहोगी, आपके शब्दों के भाव? मैंने ऐसे लिखा है, होने के कोर गीले होठों पर मृदुहास बाकी, जब तलक चलती है सांसें रखो जीने का विश्वास बाकी। बहुत सारे क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जब हमारी आंखें भीग जाती हैं। तुम आंसुओं को मुख पर मत बहने दो, जमाना बहुत मजाक उड़ाएगा। क्यों ना कोरों पे ही रहने दो, नयनों के कोरों पर ही रहने दो। जैसे फूलों की पत्तियों पे शबनम रुक जाती है ना, वहीं पर उसको रहने दीजिए। बहाएंगे तो लोग देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है, अपने दर्द किसी को दिखाया मत कर। लोग मुट्ठियों में नमक लिए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़ाना लोगों को बहुत आता है। इसलिए किसी ने कहा है, अपने जख्म लोगों को दिखाया मत कर, लोग मुट्ठियों में नमक लिए बैठे हैं। मैंने कहा है, जब तलक चलती है सांसें रखो जीने का विश्वास बाकी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या लेकर आए थे तुम और क्या छोड़कर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, छूट गया तो क्या हुआ। सही बात है। इस धरा से जो मिला इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। सोच ले तू साथ तेरे अपना करा ही जाएगा। जी जी वाह। इस धरा से, धरा माने पृथ्वी, इस धरा से जो मिला धरा पर ही धरा रह जाएगा, फिर से यहीं पर रह जाएगा। वाह। सोच ले बस साथ तेरे, तेरा करा ही जाएगा।
सुंदर, बहुत जो खूब हमने किया बस वही हमारे साथ जाना है, जी। तो जो छूट गया उसका गम क्यों, तो छूट गया तो जाने दीजिए, बहुत कुछ बाकी है अभी। जब तलक चलती हैं सांसें, रखो जीने का विश्वास बाकी। श्वास तो चल रही है, इसका मतलब प्राण है ना मेरे पास, तो प्राण है तो जब तक हमें जीना है तब तक प्रभु करते रहेंगे हमारे ऊपर उपकार। प्रभु ने हमको इतनी शक्ति देकर भेजा है कि कभी हारिए मत, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, पहले भी कहते थे। सही बात है। और अगला छंद भी आपने इतना सुंदर लिखा है, आप इसे भी अपनी मधुर आवाज में गा के सुनाइए ना। झरती है फूलों पे शबनम, मोती का आभास लाती। झरती है फूलों पे शबनम, मोती का आभास लाती। 4 दिन की ये बहारे, बरखा की शीतल फुहारे। 4 दिन की ये बहारे, बरखा की शीतल फुहारे। एक दिन बिखरे जमीन पर, रह जाएगी सुवास बाकी। क्या बात है, एक दिन बिखरे जमीन पर, रह जाएगी सुवास बाकी। कितने हसीन शब्द हैं इसमें, आप क्या भाव दर्शाना चाहते हो? फूलों की पत्तियों पे सुबह सुबह जाकर शबनम देखिए। अब अपने अपने मन के विचार हैं। दर्शकों, आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके मन में कहीं अंदर अंदर कभी सोया होगा। कोई कहेगा रात को प्रकृति रोई है, उसके आंसू फूलों पे शबनम बन के बिखरे हैं। कोई सोचेगा कि आसमान ने मोती बरसाए हैं फूलों को में प्यास मिटाने के लिए। क्या बात है। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी कल्पना के रंग बिखेरे हैं। झरती है फूलों पे शबनम, मोती का आभास लाती। 4 दिन की ये बहारे, बरखा की शीतल फुहारे। 4 दिन की ये बहारे, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जितने दिन बहार है उतने दिन तो जी लो। वाह, कल मौसम चला जाएगा ये सोच के आज ही क्यों खुशबू से दूर चले जाते हो? क्या बात है, क्या बात है। वैसे भी क्या पता कौन कब चला जाएगा हमें छोड़कर, या कौन कब आकर जीवन से जुड़ जाएगा। क्या बात है। बीज मिट्टी में मिलता है तब अंकुर बनता है। तो नया सृजन होना है अगर, तो एक को मिटना ही पड़ेगा। मिट जाने का गम मत कर, फिर फूटेगा अंकुर बनकर। मिट्टी को पीटा जाता है तो नया घड़ा बन जाता है। बीज को मिटना पड़ता है तब अंकुर बन के आता है। इसलिए पिटने मिटने की डर मत करो। मिट्टी पिटती है तो उसको कूट कूट के कुम्हार सुंदर सा घड़ा बना देता है। बीज को जमीन के अंदर कूट कूट के दबाया जाता है तो नया वृक्ष बनकर जाग जाता है। इसलिए मैंने कहा, 4 दिन की ये बहारे, बरखा की शीतल फुहारे। बरखा के बाद सर्दी भी तो आएगी ही, फुहारे तो नहीं होंगी तब। जब रात को ठंडी पड़ेगी तो बर्फ भी तो बरस सकती है। तो जीवन में भी तो ऐसे ही है, कभी प्यार की गर्मी मिलेगी स्नेह के अंदर, कभी आंखों में नरमी मिलेगी और बारिश बन के आपकी आंखों से दर्द बह जाएगा। कभी बहारें आएंगी और तो खुशियों के फूल खिलेंगे, कलियां चटकेंगी मुस्कानों की, सारे रिश्ते आपके पास होंगे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पतझड़ छाया हो। लेकिन हर ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आनी है, अगर ऐसा हम सोच लें।
प्रकृति भी तो बदलती रहती है, तो हर चीज यहाँ पर बदलने वाली है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। अगर कल वाला सुख हमारे पास आज नहीं है तो आज वाला दुख भी कल नहीं रहेगा, ऐसे सोचिए ना। एक दिन बिखरे जमीन पर रह जाए कि सुवास बाकी, फूल चाहे डाली पर हो चाहे जमीन पर गिरा हो फिर भी खुशबू तो देता है। तो मैं डाली से जमीन पर गिरूं तब भी खुशबू मेरी हाथ को ना मिले तो धरती को मिले, इतना तो मैं कर्म कर जाऊं। क्या बात है। ये मेरा भाव है कि बिखरे, अगर जमीन पर बिखर भी गए हम, बिखरना क्या, जब अंत में लेट गए तब भी हमारे कर्मों की खुशबू तो याद रहेगी। क्या अगर बात हमने ऐसा कुछ किया होगा, तो इसलिए ऐसा कुछ कर जाए ना, जैसे फूल जब सूख कर बिखर भी जाता है तो जमीन में तो खुशबू रहती है, भले अब किसी के कोट में नहीं लगा हो, भले किसी के मुकुट में नहीं सजा हो, भले किसी मूर्ति के ऊपर न चढ़ा हो, माँ धरती को तो खुशबू दे ही रहा जी, है, किसी ना किसी को तो दे ही रहा है। देह चाहे चला क्यों न जाए लेकिन खुशबू, या फिर हम कह सकते हैं कीर्ति तो हमें फैला देनी है। बहुत ही बढ़िया बात कही अपने आपने, और आपकी बातों से वो खुशियाँ मैं महसूस कर सकती हूँ। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी, आपने अपने हृदय में इतना आनंद कहाँ से भरा भला? आनंद तो परमेश्वर ने प्रकृति में चारों तरफ बखेर के दिया है, लेकिन हाँ मुझे उसे लेना आना चाहिए ना। जी, तो दृष्टि है ना, दृष्टि देख सकती है कि रात काली है, दृष्टि ये भी तो देख सकती है उसी में चंदा तारे चमक रहे हैं। क्या बात है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम काली रात को देखें या बिखरी चांदनी को देखें। सुंदर, अगर रात काली ना होती तो चंद्रमा इतना चमक भरा दिखाई देता क्या? वाह 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 वाह, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं चंद्रमा दिन में भी होता है, सही है सही है लेकिन दिन के प्रकाश में छिपा होता है ना। जी। तो हमारे जब पास जब बहुत कुछ होता है तो जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, वो उसी चंद्रमा और सितारों की तरह छिप जाती हैं। जी। लेकिन जब कठिनाई का अंधेरा आता है रात की तरह, तो वो छोटी छोटी खुशबू भी, छोटी छोटी खुशियां भी तारों की तरह चमक कर आपको उत्साह देंगी, प्रेरणा देंगी। इसलिए थोड़ा कुछ चला गया जाने का गम मत करिए, सोचिए काली रात में भी कुछ तारे तो चमक रहे हैं। कितना सुंदर है, कितना खूब कहा। ये सकारात्मक दृष्टि भला कैसे हम भर सकते हैं अभी, क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं ज़माना ऐसा छाया हुआ है कि सबके अंदर एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता भरी हुई है। तो आपके अंदर तो ये प्रकृति का आनंद सब आपने भरा है, लेकिन भले ज़माने में हम ये आनंद कहाँ से ला सकते हैं, या फिर ये पॉजिटिविटी, ये सकारात्मक दृष्टि कहाँ से ला सकते हैं? जैसे तन को पुष्ट करने के लिए भोजन मुझे स्वयं ही खाना पड़ेगा ना, जी, वो तो है। मन को पुष्ट करने के लिए भी सकारात्मकता अपने अंदर से ही खोजनी पड़ेगी ना। जी। पानी तो जमीन के अंदर है, ये धरती में थोड़ा सुराख करिए तभी तो फवारा ऊपर आएगा। सही बात है, खूब कहा आपने। तो आप ये सोचिए ना, कोई चोट अगर मेरे हृदय के ऊपर हुई है हाँ, वो भी तो शीतल जल का फवारा ऊपर ला सकती है। क्या बात है, क्या बात है। धरती जब फटती है तभी तो फवारा ऊपर आता है। जी, सही है। तो धरती ने उस जगह चोट खाई, उसको चीरा गया तभी तो आया। क्या बात है, क्या बात है, तो दर्द के बिना सुख की अनुभूति कहाँ होगी? कितना सुंदर कहा, कितना सुंदर कहा। और आपके शब्दों में भी वैसे ही भाव है, सुनाइए ना। हार मत जाना मुसाफिर, आंधियों से यूं न घबरा,
जीते सदा रुस्तम यहाँ फिर अपनी शक्ति को न बिसरा। उड़ता पंछी ये न सोचे कितना है आकाश बाकी। क्या बात है, ये जीते सदा रुस्तम यहाँ फिर अपनी शक्ति को न बिसरा, ये आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? हार मत जाना मुसाफिर, मुसाफिर ही तो हैं हम सब, की जीवन यात्रा चल रही है ना। जी वो तो है। तो यात्रा में तो ऐसे ही होता है, कब कोई आकर, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो हर एक यात्री से आप ये तो आशा नहीं कर सकते कि वो जर्नी के आरंभ में ही आपके साथ प्रथम डिब्बे में चढ़ेगा और जब आप उतरेंगे तभी वो उतरेगा। सही है, जाने सही कब है। कौन उतर जाएगा, जाने कब कौन चढ़ जाएगा। जितनी देर का साथ है उस यात्री के साथ आनंद मना लीजिए। जी, तो जीवन यात्रा भी तो ऐसी ही है। सही है। हार मत जाना मुसाफिर, आंधियों से यूं न घबरा। क्यों आंधियों ने गुलशन फना कर दिया, इसका गम बेमानी है। क्यों आंधियों ने गुलशन फना कर दिया, इसका मातम मनाना बेमानी है। उठ बसंत को बुला, बगिया में बहारें फिर से लानी है। उठ बसंत को बुला, बगिया में बहारें फिर से लानी है। वैसे भी तो दुनिया में हर शय फानी है, उसके बारे में रोना कोरी नादानी है। अच्छा, ईश्वर कहते हैं मेहनत से ही फिर दुनिया बनानी है। क्या बात है। जीते सदा रुस्तम यहाँ पर अपनी शक्ति को न बिसरा। उड़ता पंछी ये न सोचे कितना है आकाश बाकी। रुस्तम कहते हैं बहादुर को। जी थोड़ा अपने मन की गहराइयों में जाइए। आपको याद होगा राजपूत राजा जब युद्ध करने जाते थे तो क्या याद दिलाया जाता था। तू राजपूत है, पीठ पर वार खाकर मत आना, मैदान से छोड़कर मत भाग कर आना। क्षात्र धर्म निभाना। हमारी शक्ति अंदर है, बस याद करना है कि हम ही वो रुस्तम हैं, हम ही वो बहादुर हैं। सही है। रामायण में पढ़ा है ना, जब सागर को पार करने की बात आई तो सब सोचने लगे ना कौन पार करेगा। तब हनुमान जी को याद दिलाया गया ना, तुम्हारे पास वो शक्ति है कि तुम सागर को पार करके जा सकते हो। जी, सही है। जब जब सेतु बनाया गया, दर्शकों आप में से अधिकांश ने तो पढ़ी होगी या सुनी भी होगी, जब सेतु बंद बनाया गया तो पत्थर पानी पे कैसे तैर सकते हैं। जी किसी ने याद दिलाया नल नील को कि आपको तो वरदान मिला हुआ है, आप जिस पत्थर को पानी में डालेंगे वो तैरेगा। अब इसका अर्थ क्या, उसमें भी आपने सुना होगा कि जिस पत्थर के ऊपर राम लिख के डाला जाता था वो तैरता था। सही है। तो राम लिखने का अर्थ क्या, विश्वास, जिसमें मेरे प्रभु, मेरे ये विश्वास किया इसको मैं राम लिख दूंगा तो ये तैरेगा ही। तो जब मेरे मन में ये विश्वास जाग गया कि ये पानी में ये पत्थर तैर सकता है राम लिखने से, ये प्रतीकात्मक है। क्या बात है। राम के ऊपर अर्थात ईश्वर पे मैंने विश्वास किया तो ये कार्य मेरा बनेगा ही, चाहे पत्थर पर, पानी पर पत्थर तैराने जैसा मुश्किल कार्य हो। क्या बात है। समस्याओं के सागर को पार करेंगे ही, चाहे इतनी बड़ी समुद्र हो, बीच में समस्याओं के कितने बड़े सागर हो, चाहे वह सुरसा मुंह खोले बैठी हो आपको अंदर समाने के लिए। क्या बात है, मतलब जीवन रूपी सेतु पार करने के लिए भी विश्वास रूपी राम चाहिए। बहुत खूब आपने क्या कहा। जीवन रूपी सागर पार करने के लिए हमें राम के ऊपर विश्वास करके वो पत्थर पानी में डालने होंगे जी जिससे सेतु बन जाए। जी क्या बात है। इसलिए कहते हैं ब्रिज बनाइए, बैरियर्स मत बनाइए, क्या बात अर्थात है। दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करिए,
विच्छेद करने का काम कभी मत करिए। जी जी उड़ता पंछी ये न सोचे कितना है आकाश बाकी। ये उड़ता पंछी आपने जो कहा है, क्या आपका इशारा इंसान की तरफ है? हाँ, लिखा तो सब कुछ इंसान के लिए ही गया है। आप बताइए दर्शकों, सड़क पर तो आप चलते हैं तो वहां पर कहीं लिखा होता है 2 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर आगे है, अभी रेड लाइट आ गई है, अभी ग्रीन लाइट आ गई है, आपको जहाँ जाना है वो दाई तरफ है या बाई तरफ है, क्या आकाश में कहीं लिखा होता है कुछ? लेकिन पंछी अपने घोंसले से उड़कर संध्या को अपने ही घोंसले में वापस कैसे आ जाता है? वाह वाह, उसके पास तो कोई साइन है नहीं। सही है। जो चिड़िया दिन भर दाना चुगने जाती है अपने ही घोंसले पर वापस कैसे आ सकती है? हजारों पेड़ होंगे प्रकृति में और आकाश में, कितनी दूर उसे जाना है और कहाँ वापस आना है, कौन सी दिशा में गई थी, कैसे वापस आई, कैसे कौन बता सकता है? क्या बात है, क्या बात बताइए आप, ये विश्वास। क्या किसी भी पक्षी के लिए कोई साइन बोर्ड लगा है आकाश में? सही बात है, सही बात। तो मन का ही वो पंछी है ना, वो उड़ता जाता है उड़ता जाता है, कहाँ उसको पता है, फिर लौट कर शाम को वहीं आ जाएगा। क्या बात है, चिड़िया दाना चुगने जाएगी, अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आएगी, खिला कर जाएगी, फिर आएगी, फिर लाएगी, फिर आंधी ने अगर घोंसला गिरा दिया फिर बना लेगी तिनका तिनका चुनकर। सही बात है, सही बात है। शाम को संध्या को लौटते हुए बैलों को देखिए, जब वो खेतों पर से लौटते हैं, किसान तो आगे आगे जा रहा होता है, बैलों का पूरा झुंड घंटियां बजाते बजाते पीछे जा रहा होता है, क्या उनको पढ़ना आता है साइन बोर्ड की उनके गांव का में उनका खेत कौन सा है, या उनका मालिक किसान जो आगे चला रहा है उसका घर कौन सा है? सही है जी बताइए ना। जी जी तो मन की जो पहुंच है उसका कोई अंत नहीं है। जी जी सही। बैल को भी पता है, यहाँ तक कि उसके चलने से ही नाम पड़ गया है, संध्या को गोधूली काल ही कहते हैं, जी जी क्योंकि उनके चलने से जो धूल उड़ती है उसका कितना सुंदर नाम बन गया है, गोधूली वेला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर। वैज्ञानिक तो नाप भी सकते हैं आकाश की दूरी कितनी है, लेकिन पंछी के पास तो नापने का कोई साधन नहीं, फिर भी उड़ता है और अपने ही घोंसले पे वापस आ जाता है। क्या बात है। तो मन पंछी तू भी ऐसे ही उड़ना, इतना बड़ा आकाश पड़ा है, फिर लौट आई हो शाम को। और पंछी के नीचे देखिए पहाड़ भी है, नदी भी है, क्या रुकता है वो? नहीं या नीचे देखता रहता है, अभी मैं नदी को पार करने वाला हूँ कैसे करूंगा, हाँ जी जी सही कहा, या पहाड़ की चोटी से टकरा तो नहीं जाऊंगा, सही कहा, अपनी उड़ान को थोड़ा सा ऊंचा कर लेता है। सही सही है, सही है। तो ऐसे ही मैं भी अगर समस्या का पहाड़ आ गया अपनी उड़ान को थोड़ा सा ऊंचा कर लूं। जी सही है। कौन सी उड़ान ऊंची, थोड़ा समय को और बढ़ा लूं कि इतने में नहीं तो इतने में हो जाएगा। सीता जी आपने बहुत ही खूब लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को इंतज़ार करने के लिए कहूँगी, क्योंकि आपने इतना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर, ऐसे कहते हैं इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है। तो अगर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी तो कि इसके भाव आप अगले एपिसोड में स्पष्ट करना। सीता जी आपका बहुत बहुत आभार और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना विश्वास के बारे में, सीता गुप्ता जी की कविता विश्वास ये हमने सुनी। इसके और भी छंद हैं, वो हम आगे के एपिसोड में सुनेंगे। विश्वास एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, वो हमें जीवन जीने का पूरा आनंद देती है। दरअसल ये विश्व ही बहुत खूबसूरत है, ये जग ही सुंदर है, इस जग में इतनी हसीन चीज़ें हैं
जो हसीन चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमें जीवन जीने की दिशा मिलती है। तो इन सब चीज़ों को, इस खूबसूरत जीवन को हम महसूस करें, इस विचार के साथ मैं आपका विदा लेती हूँ। बने रहिए दोस्तों, नमस्कार।